नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड में भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अपना जो चैप्टर है साख क्षमता मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक है साख क्षमता मूल्यांकन का क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। जैसा कि आप जानते हैं, साख क्षमता मूल्यांकन किसी भी चीज़ की रैंकिंग देना या उसका मूल्यांकन करना, इसमें यहाँ पर साख क्षमता मूल्यांकन के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सी प्रतिभूतियाँ अच्छी हैं, ए श्रेणी की हैं, बी श्रेणी की हैं, सी श्रेणी के, इसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है कि ऐसी उन प्रतिभूतियों में क्या है जो अच्छी रैंक की हैं या फिर अच्छी गुणवत्ता की है। तो यहाँ पर साख मूल्यांकन का अर्थ करने से पहले इसकी हम भूमिका के बारे में चर्चा करें कि 1991 के पश्चात अनेक कंपनियाँ ने भारतीय मुद्रा बाज़ार में अपने कोषों में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रवेश किया है। किसी भी विनियोक्ताओं के लिए धन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, वह अपना धन जोखिम रहित या कम करके जोखिम करके अपनी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना चाहता है। साख क्षमता मूल्यांकन के द्वारा इस उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो अब हम चर्चा करें साख क्षमता मूल्यांकन के अर्थ की। तो साख क्षमता मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग एक विचारधारा है, एक रणनीति है एवं एक विश्वास है जो किसी साख उपकरण के दिए हुए मूल्य के संबंध में निर्धारित शोधन क्षमता की व्यक्त करता है कि ऋण लेने वाले की ऋण भुगतान क्षमता पहले से निश्चित किए गए चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया जाता है। तो इस प्रकार से आजकल प्रत्येक निवेशक अपना धन कम से कम जोखिम वाली श्रेष्ठ प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहता है, क्योंकि साख मूल्यांकन में प्रतिभूतियों के गुणों का आकलन करके उसकी श्रेष्ठता ब्याज व मूलधन के शोधन क्षमता की स्थिति में स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि प्राय यही प्रतिभूतियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं जिसका प्रतिफल अधिक हो, मूलधन की प्राप्ति विश्वास हो। मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रतिभूतियों या ऋण पत्रों के गुणों का आकलन के आधार पर इनकी श्रेष्ठता और श्रेणीकरण की विभिन्न प्रतीक चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसा कि प्रतीक चिन्ह की हम बात करें ट्रिपल ए, तो यहाँ पर श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियाँ, जिसे उच्चतम सुरक्षा वाली प्रतिभूतियाँ भी इसे हम कहेंगे। तो ये साख क्षमता मूल्यांकन होता है, जिसमें डबल ए का मतलब यहाँ पर है उच्च सुरक्षा, उच्च सुरक्षा है, और यहां पर डबल बी का तात्पर्य है अपर्याप्त सुरक्षा। अपर्याप्त सुरक्षा को डबल बी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बात करें, निवेशक प्राय उन प्रतिभूतियों को पसंद करता है जहां श्रेष्ठ व उच्चतम सुरक्षा वाली हो। क्रेडिट रेटिंग वास्तविकता विज्ञान नहीं है, लेकिन यह कई परिवर्तनशील व्यावसायिक शाखाओं या व्यावसायिक दशाओं के संयोजन का परीक्षण मात्र है। इनकी उपयोगिता क्रेडिट रेटिंग की कुशलता पर निर्भर करती है। अब हम बात करें कि भारत में साख क्षमता मूल्यांकन की अवधारणा तुलनात्मक रूप से हो गई है, क्योंकि भारत में साख क्षमता मूल्यांकन का कार्य क्राइशल नामक एजेंसी के द्वारा की जाती है, क्रिशल CRISIL, ये एक एजेंसी है। इस एजेंसी के माध्यम से साख क्षमता मूल्यांकन की गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाता है, तो इसलिए क्रिशल की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो इसके साथ ही 1987 में भी इसका प्रारंभ शुरू किया गया, क्रिशल एजेंसी की 1987 में इसका क्रियान्वयन या प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया गया। उदारीकरण की शुरुआत के साथ साख क्षमता मूल्यांकन की महत्ता भी अधिक
बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम साक्षमता मूल्यांकन की हम विशेषताओं की बात करें तो साक्षमता मूल्यांकन की विशेषताओं में सर्वप्रथम साक्षमता मूल्यांकन पारस्परिक या परिस्थितियों के क्रय विक्रय करने या एवं रखने की सिफारिश नहीं करता है। साक्षमता मूल्यांकन एजेंसी या कंपनी के बीच में अप्रत्याशित संबंधों का सृजन नहीं करता है। साक्षमता मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सामान्य उद्देश्य के लिए मूल्यांकित नहीं करता है। साक्षमता मूल्यांकन के द्वारा ऋणी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का सत्यापन नहीं करता है। साक्षमता मूल्यांकन द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्यों का उद्देश्य नहीं करता है। साक्षमता मूल्यांकन प्रतिभूतियों को जोखिम का मूल्यांकन एक बार नहीं करता बल्कि प्रतिभूतियों के पूरे जीवन काल के लिए उसका मूल्यांकन करता है। तो उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि साक्षमता मूल्यांकन निर्गमनकर्ता की ऋण भुगतान क्षमता को बताता है, मतलब ऋण भुगतान क्षमता को दर्शाता है। अब इनकी विशेषताओं में मैंने आपको बताया कौन कौन से कार्य नहीं करता है। पहला तो साख क्षमता मूल्यांकन क्रय विक्रय रखने की सिफारिश नहीं करता है। ये तो जो क्रय विक्रय है उसकी सिफारिश नहीं करता है। दूसरा क्या नहीं करता है, साख क्षमता मूल्यांकन क्रेडिट कंपनी के सामान्य उद्देश्यों को मूल्यांकित नहीं करता है, उद्देश्यों को मूल्यांकित नहीं करेगा, उद्देश्यों को मूल्यांकित नहीं करेगा। साख क्षमता मूल्यांकन के अंतर्गत ऋणी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का सत्यापन भी नहीं करता है, सूचनाओं का सत्यापन नहीं किया जाता है। तो अगला है साख क्षमता मूल्यांकन के द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उद्देश्य का निर्धारण भी नहीं करता है, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसका निर्धारण या उसका एनालिसिस नहीं करता है। तो इस प्रकार से साख क्षमता मूल्यांकन की ये विशेषताएं हैं। एक प्रतिभूतियों की जोखिम का मूल्यांकन ये बार बार नहीं करता है। साख क्षमता मूल्यांकन के अंतर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सिर्फ एक बार ही नहीं करता बल्कि पूरे जीवन काल में ही उसका मूल्यांकन करता है। तो ये थी इसकी विशेषताओं का मतलब। अब हम चर्चा करेंगे साख क्षमता मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो साख क्षमता मूल्यांकन के उद्देश्य, साख क्षमता मूल्यांकन के उद्देश्यों की हम बात करें तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम है निवेश विनियोक्ताओं को सही प्रमाणिक या कम लागत में सूचना प्रदान करना। कम लागत पे क्या करना है, सूचनाएं प्रदान करना, कम लागत पे सूचनाओं को इसमें प्रदान किया जाता है। एक संस्थागत विनियोक्ताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की पालना करना, एक मार्गदर्शी सिद्धांतों की पालना इसमें सुनिश्चित की जाती है। अगला साख क्षमता मूल्यांकन के अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण प्रोत्साहन लेखा स्टैंडर्ड की पालना वित्तीय सूचनाओं में सुधार करना, मतलब सूचनाओं का इसमें संग्रहण होगा, सूचनाओं का संग्रहण करना और उनका सत्यापन करना, लेखा स्टैंडर्ड की पालना करना। एक साख क्षमता मूल्यांकन के अंतर्गत मर्चेंट बैंकर दलाल अधिकारी आदि की ऋण संबंधी मामलाओं को मार्गदर्शित करना, इसमें जो मर्चेंट बैंकर है दलाल है अर्जेंट है ये सब आदि ऋण संबंधी मामलाओं को मार्गदर्शित करने में इनकी अच्छी भूमिका रहती है। एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों पर ब्याज लागत में कमी करना, जो अच्छी रेटिंग वाली कंपनी है
जो अच्छी रेटिंग की जो कंपनी है उन वाली कंपनियों में ब्याज लागत में कमी करना। ब्याज लागत में क्या करना, कमी करना। एक निर्गमनकर्ता को विपणन साधन के रूप में सहायता पहुंचाना, निर्गमन कर्ता को सहायता प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। एक ऋणी को समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित करना और साख क्षमता मूल्यांकन के द्वारा विनियोक्ताओं को किस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है कि यह कई परिवर्तनशील या व्यापारिक दशाओं को संयोग का परीक्षण करता है। क्रेडिट रेटिंग की उपयोगिता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की कुशलता पर भी निर्भर करती है। तो ये इस प्रकार से हमने साख क्षमता मूल्यांकन का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कि साख क्षमता मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं और साख क्षमता निर्धारित जो एजेंसी है उसके कार्य और महत्व कौन कौन से हैं। तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कि साख क्षमता मूल्यांकन के जो प्रकार हैं और उसके कार्य हैं और उनके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की कि साख क्षमता मूल्यांकन का क्या अर्थ निकाला जा सकता है और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव हैं। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।